किचन में बन रहे हैं हॉट विंग्स, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत लाइक करेंगे। ये कोटिंग आप देखें कितनी ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी जो है हमारे विंग्स बने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे ये कैसे बने हैं। बहुत ही ईजी और बहुत क्विक सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं हॉट विंग्स। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लेंगे विनेगर, और विनेगर लेंगे हम हाफ कप जो है हम इसके अंदर विनेगर डाल के तो हम रख देंगे विनेगर और थोड़ा सा हाफ कप हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे और हाफ कप हम इसके अंदर तकरीबन एक कप हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी और ये और नमक डाल के इसको हम रख देते हैं तकरीबन एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको देखेंगे कि बाद में हम इसको धो लेंगे। तो ये हम सिरका डाल के इसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। तो फिर हम दोबारा से मिलते हैं जी। तो आधा घंटा हो गया चिकन को भिगोए हुए, तब हम इसको धो लेते हैं और फिर अगला प्रोसेस कर। अच्छा जी, विंग्स को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। तो 2 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी और अदरक लहसुन का पाउडर डालूंगी मैं। 1 टीस्पून मैं डालूंगी जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून डालूंगी मैं गार्लिक पाउडर। ये भी डाल दिया। हॉट सॉस डालेंगे इसमें हम, सॉया सॉस डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड, 2 टीस्पून हम इसके अंदर मस्टर्ड डालेंगे। हम इसको निकाल लें। 2 टीस्पून हम इसके अंदर मस्टर्ड डालेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपने ज्यादा स्पाइसी करना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे और इन सारी चीजों को जो है हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छा जी, इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये इस तरह से आप लगा के इसको तकरीबन फ्रीज भी कर सकते हैं। आप 15 से 20 दिन इसको फ्रीज करके रख सकते हैं और जब आपने इसको बनाना हो तो इसकी कोटिंग तब तैयार करें और इसको फ्राई कर लें। तो ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे विंग्स रेडी होंगे, हॉट विंग्स। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और इस तरह से सारा इसके जो है इसको मिक्स कर लें। देखिए जी, तो इस तरह से हम लगा के इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रख। हाँ जी, तो हमारे विंग्स को मसाला लगाए आधा घंटा हो गया है। तो ये माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हमारे मसाला रेडी है। तो ये मैंने ठंडा पानी लिया और मैंने लिया सिंपल मैदा। तो सबसे पहले हम एक विंग पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कोट करते जाएंगे इस तरह से। और फिर हमने ठंडा पानी लेना है और इसके अंदर डाल के झाड़ दें और अगेन जो है हम तो हम कोट करते रहेंगे इस तरह से। सारा हम इसको लगाते जाएंगे, इसको अच्छी तरह से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको मली जाए। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त हमारी कोटिंग जो है वो रेडी होगी। तो ये देखिए इस तरह से लगा लो। फिर हम एक प्लेट में जो है विंग्स को रखते जाएंगे और एक साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है। तो उसके अंदर हम हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे। ये इस तरह से मैं सारे विंग को कोट कर लूंगी। तो इस तरह से हमने कोटिंग कर करके रखी जा रहा है। अब हम एक साइड पे कढ़ाई में ऑयल गर्म करते हैं और इसको फ्राई करते हैं।
इसको ही हमने गरम करने रख दिया। इसको बहुत हल्की आंच पे हमने जो है फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी बने। इस तरह से हम बीन्स को डालते जाएंगे, इतने डालने जितना इजीली जो है वो सारे फ्राई होते हैं। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे फिर इसकी साइज चेंज करेंगे। तो 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइज को हम चेंज करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे क्रम्स हैं वो बने हैं। तो इस तरह से हम इसको इसकी साइज को चेंज करते जाएंगे ताकि दूसरी साइज से भी पक जाए। तो ये साइज है, इसकी साइज भी हम चेंज कर देते हैं और इसको भी तकरीबन 6 से 7 मिनट हम पकने देते हैं ताकि प्रॉपर ये क्रिस्पी हमारे बीन्स बने। ये तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए, दूसरी साइड को भी हमारे माशाल्लाह बीन्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर अगले बीन्स जो ना वो डाल देंगे। हम इनको निकाल लेंगे, बाकी अंदर डाल देते हैं। इनको भी हल्की आँच पर फ्राई होने देंगे, बहुत तेज आँच पर हमें इसको नहीं पकाना क्योंकि वो फिर क्रिस्पी नहीं होंगे और उसकी प्रॉपर जो है वो उसकी कोटिंग जो है वो अंदर से सही तरह से नहीं होगी। इसको भी हम पका लें फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। जी तो हमारे क्रिस्पी हॉट विंग्स जो है वो रेडी है माशाल्लाह से। ये देखिए आप इसकी कोटिंग, इसके क्रम्स बहुत क्रिस्पी। तो इसको ज़रूर बना के ट्राई करें, देखिए इंशाल्लाह ताला बहुत लाइक करेंगे। ये देखिए इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं, तो आप इसको बहुत लाइक करेंगे, इसको बनाकर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।